So I gave you one numerical for the homework in which we calculate the molarity. आपको नॉर्मैलिटी मैंने होमवर्क में दी थी, तो नॉर्मैलिटी का मैंने आपको शॉर्ट हैंड फॉर्मूला बताया हुआ है, दैट इज मोलारिटी इनटू एसिड था तो उसकी हम लिखेंगे बेसिसिटी। कितनी आई थी मोलारिटी बताओ, मोलारिटी कितनी आई थी लास्ट टाइम? 0.02 इनटू बेसिसिटी कितनी है 2। ऑक्सैलिक एसिड वाला न्यूमेरिकल था ना, 0. मोलारिटी 0.1 आई है। कितना था बोलना, एक मिनट स्टेटमेंट बोलना, गिवन मास कितना था ऑक्सैलिक एसिड का, गिवन मास कितने में डिसॉल्व किया था? 3.15 नहीं था गिवन? चलो जितना भी आंसर आया फिर ठीक है, दिस इज योर नॉर्मल राइट। मुझे याद नहीं है मैंने कहां से दिया आपको, ठीक है जी। नेक्स्ट लिखो, एक और न्यूमेरिकल लिखो, अब एक मोलालिटी वाला न्यूमेरिकल भी करवा देते हैं और वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग का भी। सो राइट डाउन, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट .6 water, where the molar mass of this is 291 grams in 4.3 liter of solution. Second statement likho, 30 ml of 0.5 molar sulfuric acid, 30 ml of 0.5 molar sulfuric acid diluted to 500 ml। ये बी पार्ट, ए पार्ट में आपने मोलारिटी फाइंड करनी है, बी पार्ट में आपने मिक्सिंग की है सॉल्यूशंस की तो उसकी आपने निकालनी है मोलारिटी, ठीक है। इसकी भी आपने मोलारिटी फाइंड करनी है बाय मिक्सिंग, इसकी आपने मोलारिटी फाइंड करनी है। करो बेटा सॉल्व, थर्टी ग्राम आपको गिवन मास है, गिवन मास ओवर मोलर मास, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स। करो सॉल्व और आंसर बताओ। हाँ जी एनीवन बेटा, हुआ है सॉल्व? थर्टी डिवाइडेड बाय 291 कुछ नहीं करना बेटा, एंड देन यू हैव टू सिंपली डिवाइडेड बाय 4.3। इसका आंसर बताओ,
अगर आपको सिंपली कोबाल्ट का मास गिवन है तो फिर आपने सारा निकालना है, इट्स 59 ग्राम। नाइट्रोजन ऑक्सीजन का तो आपको पता ही है, सो इन फ्यूचर लर्न कर लो कोबाल्ट का 59 ग्राम्स है। एटॉमिक मास ऑफ कोबाल्ट इज 59 ग्राम्स। नमन आया कितना? हम्म, 0.02, 0.02। उसका निकालो, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग निकालो, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग निकालो जब वो सॉल्यूशन जो है वो डाइल्यूट किया गया है। 30 ml ऑफ 0.5 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड इज डाइल्यूटेड टू 500 ml। सो वी विल बी अप्लाइंग द मोलैरिटी इक्वेशन, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ठीक है, ये जो एक हमें गिवन है पहले हम उसकी लिख लेते हैं, दूसरे की हमने मोलैरिटी निकालनी है। ठीक है, जिसकी डाइल्यूशन कहा तक की है हमने 500। So it will be 30 into 0.5 divided by 500. Solve it and give me the answer. Solve करो और बेटा आंसर बताओ। दैट इज 0.03 मोलर। ठीक है जी, अब नेक्स्ट लिखिए, एक नॉर्मैलिटी वाला, मोलैलिटी वाला भी डिस्कस कर लेते हैं। कैलकुलेट द मोलैलिटी स्मॉल m स्मॉल एम कैलकुलेट करना है आपने, मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है ऑफ 93% सल्फ्यूरिक एसिड, ऑफ 93% सल्फ्यूरिक एसिड मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.84 ग्राम पर मिलीलीटर। अब अगर मैं मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखूं तो मोलैलिटी किसके इक्वल होती है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। हम यहाँ पे नीचे सॉल्यूशन नहीं लेते हैं, सॉल्वेंट लेते हैं। ठीक है, यानी कि मैंने यहाँ पर वाटर का मास निकालना है, सॉल्यूशन में से निकालना है। अब इस चीज का क्या मतलब है 93% सल्फ्यूरिक एसिड मास बाय वॉल्यूम, यानी कि 93 ग्राम्स किसमें डिसॉल्व किया हुआ है? 100 ml में, यही मतलब होगा मास बाय वॉल्यूम का। ये मास है इतना, इतने में उसको डिसॉल्व किया हुआ है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे, गिवन मास ओवर मोलर मास निकाल लो पहले, इतना स्टेप करो।
गिवन मास ओवर मोलर मास निकाल लो, हाँ जी 93 को हम डिवाइड कर देंगे 98 से, वी विल बी डिवाइडिंग 93 बाय 98। अब हमने मास निकालना है किसका, सॉल्वेंट का। उससे पहले हम निकालेंगे मास ऑफ द सॉल्यूशन, उससे पहले हम क्या निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे, एंड दैट विल बी इक्वल टू, डेंसिटी किसके इक्वल होती है बेटा, मास बाय वॉल्यूम। अब मैंने यहाँ से अगर मास निकालना है तो मैं क्या करूंगी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे, ठीक है। डेंसिटी आपको कितने की बना बेटा, दैट इज 1.84, ओके, डेंसिटी इज 1.84। वॉल्यूम कितनी है, 100 निकाल लो इसको, सॉल्व इट, ये आपको देगा 184 ग्राम्स देगा। अब ये मैंने क्या निकाला है, दिस इज द मास ऑफ सॉल्यूशन। अगर मैंने सॉल्वेंट का मास निकालना है तो मैं क्या करूंगी, सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास माइनस कर देंगे, तभी मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा। कितना आया, कितना आंसर आया बेटा, नाइन्टी वन ग्राम, ठीक है। अब अपने फॉर्मूलाज में पुट कर लेते हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, अब गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेंट 91, बट ये किसमें है, ग्राम्स में है, तो इसको किलोग्राम्स में कन्वर्ट करो, सॉल्व करो और आंसर बताओ। सो मोलालिटी के न्यूमेरिकल्स कुछ ऐसे आएंगे आपको, जहां पर वी विल बी यूजिंग द डेंसिटी, ठीक है। हाँ जी बताइए बेटा आंसर इसका, कितना आंसर आया, कितना
कितना आंसर आया ना मैम, दैट इज 10.43, राइट। ठीक है, स्मॉल m दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग द मोलैलिटी। ओके, नाउ राइट डाउन वन मोर न्यूमेरिकल। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। आपने मोल फ्रैक्शन निकालनी है बेंजीन की। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6 कंटेनिंग 30% बाय मास, कंटेनिंग 30% बाय मास ऑफ इट इन CCl4 दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। चलिए निकालो। आपको सिंपली अब मैंने दे दिया 30% बाय मास। अब मोल फ्रैक्शन निकालने का क्या फॉर्मूला है? अगर मैंने बेंजीन की निकालनी है सो आई विल बी नोइंग द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन एंड द टोटल नंबर ऑफ मोल्स दैट इज बेंजीन आल्सो एंड CCl4 आल्सो। ठीक है जी, ऐसे निकलेंगे। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं? गिवन मास ओवर मोलर मास। गिवन मास कितना है, मोलर मास वो आप निकाले लोगे, C6H6 है, एक का CCl4 है, दोनों का मोलर मास निकालो। अब गिवन मास की बात है, बेंजीन का कितना गिवन है बेटा, मोलर मास ऑफ बेंजीन कितना है? गिवन मास बताओ, सॉरी, द गिवन मास ऑफ बेंजीन इज थर्टी, वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पर बेंजीन का जो गिवन मास है वो 30 है। क्यों? क्योंकि 30% बाय मास सॉल्यूशन बनाया हुआ है हमने, यानी कि 30 grams को हमने किसमें डिसॉल्व किया है, 100 में। ओके, सो दैट विल बी 30 ओवर मोलर मास। C6H6 का मोलर मास बताइए बेटा, हाँ जी कितना आया, 78। अब ये हमने निकाल लिया, अब CCl4 पे चलते हैं। NCCl4 गिवन मास 70 हो जाएगा, 30% बाय मास का सॉल्यूशन बनाया है, यानी कि अगर उसमें 30 जो है वो बेंजीन है तो 70 कितना हो जाएगा फिर, CCl4। तो CCl4 का मास, CCl4 का गिवन मास 70, मोलर मास निकाल लो, फाइंड आउट द मोलर मास। मोलर मास ऑफ CCl4 154। अब आपने इन दोनों वैल्यूज को सॉल्व कर लेना और उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो और आंसर बताओ। सॉल्व बोथ द वैल्यूज एंड सब्स्टिट्यूट हेयर इन दिस फॉर्मूला एंड गिव मी द वैल्यूज।
हाँ जी, कितना आंसर आया बेटा? सो दैट इज 0.45, वेरी गुड. ओके, सो द फाइनल आंसर फॉर द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज 0.54. ओके, एंड यू कैन सी आई हैव नॉट रिटन एनी यूनिट हेयर, सो दैट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी. ठीक है, दैट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी. कौन सी? मोल फ्रैक्शन. क्योंकि ऊपर भी मोल्स हैं, नीचे भी मोल्स हैं, तो दोनों कट जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे इसकी कोई डायमेंशन नहीं आती, इसके कोई यूनिट्स नहीं है. ओके, चलिए नेक्स्ट राइट डाउन नाउ. सो वी हैव कवर्ड द न्यूमेरिकल्स दैट आर रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन टर्म्स नाउ. अभी नेक्स्ट करते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करते हैं आप. सो राइट डाउन पहले मैं आपको जनरल बता देती हूँ हमने करना क्या है एम्पेरिकल फॉर्मूला में. सो व्हाट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ठीक है, सपोज अगर C6H12O6 का मॉलिक्यूल है, दिस इज अ मॉलिक्यूल. ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला, इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय मैं क्या करूंगी, आई बी टेकिंग 6 कॉमन फ्रॉम हेयर. मैंने यहां से 6 जो है वो कॉमन ले लेना है, बाकी क्या बच गया? C H2O. ठीक है, CH2O बच गया. तो दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. तो आप कैसे कह सकते हो कि ये दोनों लिंक हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एन टाइम्स एम्पिरिकल फॉर्मूला. ओके, सिमिलरली अगर फॉर्मूला की बजाय आपने मास निकालना है, तो हम फॉर्मूला को किसके साथ रिप्लेस कर देते हैं? मास के साथ. तो यानी कि एन की क्या वैल्यू बन जाती है? एन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ओवर एम्पिरिकल मास और एम्पिरिकल फॉर्मूला. ठीक है, तो हमने अपने न्यूमेरिकल्स में ये एक्सप्रेशन याद रखना है. फॉर डूइंग द न्यूमेरिकल्स वी विल बी रिवाइजिंग दिस एक्सप्रेशन और वी विल बी रिमेम्बरिंग दिस एक्सप्रेशन. ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला के न्यूमेरिकल्स. एम्पेरिकल फॉर्मूला के न्यूमेरिकल्स में बेसिकली क्या होगा, आपको 3-4 एलिमेंट्स, जितने मर्जी हैं आपको एलिमेंट्स गिवन होंगे. ठीक है, हर एक की परसेंटेजेस जो है वो आपको गिवन होंगी. फॉर एग्जांपल राइट डाउन वन न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग परसेंटेज ऑफ कार्बन एज 48%, हाइड्रोजन 8%, नाइट्रोजन 28%. यू हैव टू फाइंड द एम्पिरिकल फॉर्मूला. आपने इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाला. अब सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि इन सबको प्लस करके क्या 100 बन रहा है कि नहीं. ऑलवेज डू दिस फर्स्ट स्टेप. बन रहा है? देखो नहीं बन रहा. कितना रह गया बाकी? हाउ मच इज लेफ्ट? 16 रह गया. तो वो हमेशा आपने अज्यूम करके चलना है डेट इज ऑक्सीजन. ठीक है, वो हमेशा हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अज्यूम करके चलना है डेट इज ऑक्सीजन. ठीक है, अब हमने क्या करना है? वी विल बी फॉर्मिंग अ टेबल. एक टेबल बनाते हैं जहां पर हम क्या करेंगे, हम इन सब की रेशियोज लिखेंगे. ठीक है, सो हियर C H N एंड O. C की रेशियो है 48,
इसकी 8 है, इसकी 28 है एंड इसकी 16 है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इनके मॉलिकुलर मासेस लिखते हैं। कार्बन का मॉलिकुलर मास 12, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16। देन वी फाइंड आउट देयर ग्राम मोल्स, ग्राम मोल्स निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, 48 को डिवाइड कर देना है 12 के साथ, जो आपको परसेंटेज गिवन है उसको आपने डिवाइड करना है विद द मोलर मास और एटॉमिक मास यू कैन से, क्योंकि ये एटम्स हैं तो एटॉमिक मास से हमने क्या करना है, इसको डिवाइड करना। सिमिलरली यू हैव टू डू 8 by 1, 28 by 14, 16 by 16। ठीक है जी, इसका आंसर क्या आया, 12 4 48, इसका आंसर 8 आया, इसका आंसर 2 आया, इसका आंसर 1 आया। फिर हमने क्या करना है, इसमें से जो सबसे छोटा नंबर है, इसमें से जो सबसे छोटा नंबर है उससे हमने क्या करना है, सारी रेशियोज को डिवाइड करना है एंड दैट विल बी गिविंग यू द एटॉमिक रेशियो। तो सबसे छोटा नंबर क्या है, इसमें 1 है, so we will be dividing 4 by 1, 8 by 1, 2 by 1 and 1 by 1। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है आपका, that is C4H8 N2 and O, so this is your empirical formula C4H8N2O, clear? हाँ जी ठीक है बेटा, चलिए राइट डाउन वन मोर नाउ। यू आर गिवन टू ऑक्साइड्स, आपके पास दो ऑक्साइड्स गिवन हैं, एम एंड ओ। सॉरी, वेयर द परसेंटेज ऑफ एम इज 70% एंड ओ इज 30%। एम इज आयरन एंड ओ इज ऑक्सीजन। एम इज आयरन एंड ओ इज ऑक्सीजन। चलिए निकाल लो, हाँ जी निकला बेटा, डेट इज 56 बेटा, नॉट 26। आयरन का एटॉमिक मास होता है 56, सो डेट इज फॉर योर होमवर्क। ठीक है,